भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आत्म भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। श्री प्रकाश ऑर्नामेंट्स के डायरेक्टर वरुण प्रकाश द्वारा खेल को बढ़ावा देते हुए खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए मैन ऑफ द मैच के विजेता को 11,000 का चेक प्रदान किया गया। उसके उपरांत खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरुण प्रकाश ने कहा कि खेल जीवन में अनुशासन सिखाता है। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आयोजनकर्ताओं की ओर से की जा रही प्रतियोगिता बेहद सराहनीय है। खेल को बढ़ावा देने के लिए हमारी ओर से एक छोटी सी कोशिश की गई है, आगे भी इस तरीके का प्रयास करता रहूंगा। ज्ञात हो कि राजेंद्र प्रसाद नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के द्वारा क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाता है। बुधवार को सेमीफाइनल मैच राजेंद्र कॉलेज बनाम महाराजगंज के बीच खेला गया। आयोजनकर्ताओं को कंबल सौंपे गए, जिससे कि ठंड के मद्देनजर गरीबों के बीच कंबल बांटे जा सके। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। इसके साथ साथ आयोजन समिति को इतना बड़ा आयोजन कराने के उपलक्ष्य में इनको हम लोग कंबल भी कुछ दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे जो भी गरीब लोग हैं या फिर जरूरतमंद हैं, जिनको कंबल नहीं है या फिर लग रहा है, जैसे यहाँ के राजेंद्र कॉलेज के गार्ड्स हैं, राजेंद्र कॉलेज के कुछ कर्मी हैं, उन लोगों के लिए हमने आयोजन समिति को दिया है ताकि वो लोग मदद कर सके और दे सके, कोई जो है जाड़े में सो ना सके। देखिए, छपरा के जगत में तो बहुत सी संस्थाएं आई, क्रिकेट टूर्नामेंट पे आती रही है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद नॉकआउट टूर्नामेंट जो है, जो आज देख रहे हैं यहाँ पर, बच्चों का उत्साह जो कि राजेंद्र कॉलेज और महाराजगंज टीम के थ्रू हो रहा है, दोनों के बीच हो रहा है, दोनों टीमें अव्वल दर्जे की है, इनका जो प्रदर्शन है अव्वल दर्जे का रहा है, और जो हम लोग देख रहे थे फील्डिंग लेवल हो या बैटिंग लेवल हो, दोनों टीम का कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम अच्छी है। दोनों टीमें बहुत ही उम्दा प्रदर्शन कर रही हैं, और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए। कितने दिनों से चल रहा था ये टूर्नामेंट? ये लगभग 25 दिसंबर से इसका आयोजन हुआ है और 2 तारीख को इसका समापन होगा। जो फाइनल मैच है वो 2 तारीख को खेला जाएगा। आज सेमीफाइनल का हम लोग यहाँ पे आयोजन कराए हुए हैं, और हम लोग की तरफ से जो सहयोग राशि है वो दे रहे हैं। ऐसे तो सहयोग हम लोग कुछ कर नहीं सकते, खिलाड़ियों का कोई मोल नहीं होता है, ये खुद ही अनमोल होते हैं। हम उसी टीम के लिए जो है थोड़ा सा सहयोग दे सकते हैं, और क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, और छपरा की संस्कृति और छपरा में प्लेयर्स अच्छे अच्छे मतलब बने, इसके लिए हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं और शुभकामना दे रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट को और पूरे क्रिकेट टीम को, कि कुछ ऐसा खिलाड़ी पैदा करें जो पूरे इंडिया का प्रतिनिधित्व कर सके, पूरे देश में, पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।